हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में यूपीपीसीएस और आरओएआरओ के बारे में बात करूंगा। 2024 के जो दोनों एग्जाम प्रीलिम्स के आपके होने वाले हैं, यूपीपीसीएस 27 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, यू नो दैट। आरओएआरओ 22 दिसंबर को है, यू नो दैट। ठीक है, तो दोनों एग्जाम को प्रीलिम्स को लेकर के अगर आप निकालना चाहते हो, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आपने फिल कर रखा है या दोनों एग्जाम फिल कर रखे हैं, या किसी भी एक एग्जाम पर टारगेट कर रहे हो या दोनों एग्जाम पर टारगेट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो अब टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उस पर मैं एक फ्री इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूं। क्या है इनिशिएटिव अभी मैं शेयर कर दूंगा, कुछ चीजें उससे जो रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपके ऊपर है कैसे क्या करना है वो अपने हिसाब से देख लेना। अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अब से मैं परसों से, यानी कि 5 तारीख को आज मेरा ये, 6 तारीख को मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो जब, तो 7 तारीख से, ठीक है, 7th of August से वहां पर मैं डेली कुछ ना कुछ चीजें डाला करूंगा फिक्स की फॉर्म में। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनको आपको तैयार करना ही करना है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो। अगर आपको डाउट हो कि जो चीज़ें मैं भेज रहा हूँ वो कितना वैल्यूएबल है, कितना बेनिफिट करेंगी एग्जाम में, नहीं करेंगी, ये अगर डाउट हो तो आप PYQ आराम से बैठ के एनालाइज करना। जिनको पता है, जो पहले से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने PYQ ढंग से एनालाइज किया हुआ है, जिनको पता है क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या नहीं पूछी जाती हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, वो चीज़ बेटर वे में जानते हैं और जान पाएंगे। वहाँ पर जो चीज़ें मैं भेजूँगा, अब क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब आपको मिशन मोड में तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब एक होता है ना कि भाई मेरा ये मिशन है, यहाँ पे मुझे ये चोटी, ये जो पीक है इसको कैप्चर करना है, अपना झंडा गाड़ना है। अब उस तरीके का आपको माइंडसेट अपना करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अभी तक जैसे चीज़ें चल रही थी, जो टारगेट्स आपके पास ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं वो आपके ऑनगोइंग हैं, वो चल रहे हैं। UPPCS RORO के लिए सिर्फ अगर आपको RORO देना है तो भी चल रहा है, UPPCS है तो भी चल रहा है, प्रिम्स के टारगेट जो थे वो चल रहे हैं। ये एक सपोर्ट की तरह होगा, एक हेल्प की तरह होगा। इसके पीछे रीज़न यार ये है कि मेरे पास हजारों लोगों के, टू बी ऑनेस्ट, मैसेज आते हैं, पर्सनली मेल भी काफ़ी लोगों के आते हैं जिनको मैं कहीं ना कई बार इतना ज़्यादा दिन में मैं चेक करता हूँ, 3-3 घंटे, बट नहीं चेक करके रिप्लाई कर पाता हूँ सबको। एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो लोगों की जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, एंड कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और वो प्रिपरेशन में अगर उनको बता दी जाए तो वो बहुत अच्छा तरीके से चीज़ों, अच्छे तरीके से चीज़ों को कर ले जाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये फ्री इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ। करना कुछ नहीं है, सेवल करना ये है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर मैं फिक्स की फॉर्म में चीज़ें भेजा करूँगा, उनको तैयार कर लेना। अब इसमें एक चीज़ ये भी आएगी कि सर या भैया, आपने जो चीज़ें भेजी हैं वो हमने किसी और सोर्स से तैयार कर रखी हैं, तो क्या हम उसे छोड़ दें, इससे करें? नहीं ब्रो, इसमें करना ये है, सपोज मैंने कोई चीज़ भेजी वो घटना चक्र की है, या मैंने कोई चीज़ भेजी वो दृष्टि की है, या मैंने कोई चीज़ भेजी वो DIS की है, या मैंने कोई चीज़ भेजी XYZ किसी भी सोर्स की है, आपने किसी और डिफरेंट सोर्स से कर रखा है, आप वहां से कर लीजिए। पॉइंट ये है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको बचे हुए दिनों में, जो लेफ्ट ओवर डेज हैं, उनमें आपको पहले जल्द से जल्द तैयार करके रखना है, सो दैट जब आप टेस्ट दो, सो दैट जब वो चीज आपके एग्जाम में आए तो आप उन्हें बहुत पहले उसको पढ़ के रिवाइज कर रखा हो, वो चीजें एग्जाम के 4 दिन पहले आपको रिवाइज ना करनी पड़े। इसलिए ये चीज है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आज के आज पता होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको 3 महीने पहले से ये चीज़ एकदम क्लियर हो, अगर आप एक सिंसियर एस्पायरेंट हो RORO के या UPPCS के। तो मैंने अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट भेजा तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप तैयार कर लीजिए, आपको किसी और सोर्स से करना है तो वहां से कर लीजिए, वरना जो मैंने भेजा है वहीं कर लीजिए, इसमें कुछ लगेगा नहीं, 5-10 मिनट आपको बस पढ़ना होगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर की जो एक एनर्जिया है, जो एक अंदर से होता है मना करने की आदत, टालने की आदत, टाला मंडोली की आदत होती है, प्रोक्रास्टिनेट करने की, कि यार बाद में करेंगे, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं होता यार, हर टाइम सीखते रहो। टेलीग्राम पर भी कुछ चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो, कहीं पर कोई अच्छी चीज़ दिखी, कोई करंट अफेयर्स की किसी की फोटो है, किसी ने कोई चीज़ बता रखी है, कोई और टॉपिक है किसी के बारे में बता रखा है, 4 क्वेश्चन है, पढ़ लो तुरंत उन्हें भाई। 10 क्वेश्चन आपने पढ़े, 6 क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में गए ना तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको पता नहीं लगेगा एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन एडिशनली सही हो जाएंगे। तो जब 80-85 दिन, 100 दिन रह जाते हैं ना, जब कम टाइम रह जाता है, तो हर टाइम आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमनी चाहिए, आपका दिमाग फोकस्ड होना चाहिए। बाहर भी घूम रहे हो ना, ठीक है, चिल आउट करो, रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है कि लगातार लगे रहना है, बट आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, क्योंकि ठीक है यार अभी मुझे घर जाके ये चीज़ करनी है, यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रही थी, अभी इसमें इतना लेफ्ट ओवर है, इतना मुझे निपटाना है। तो जो चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट्स की ऑल ओवर है वो सारी मैं इंपॉर्टेंट वहाँ पर तैयार करवा दूंगा। उसमें हेडक नहीं लेनी है कि इसमें ये छूट जाएगा, ये नहीं छूट जाएगा, ये होगा वो होगा, जो जिस प्रायोरिटी में जिस चीज़ को तैयार करना चाहिए जिस सब्जेक्ट का, वो मैं वहाँ पर भेजता रहूँगा 7 अगस्त से। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको करना है तो वहाँ से कर सकते हो, और उसके बाद सफिशिएंट टाइम भी रहेगा। मतलब सपोज मैंने अगर 4 फोटो भेजी, उसमें ठीक ठाक कॉन्टेंट भेज दिया है, और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इसको रट लें 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर, डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो कंटेंट मैंने आपको दिया, उसके बाद में आपको दूसरा दिया जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम वो करते रहना है, वो चीज़ आती रहेगी, रात में भी आ सकती है, सुबह भी आ सकती है, दोपहर भी आ सकती है, वो आपको लगातार मिशन मोड में रखने के लिए है, ताकि आपका रिवीजन बेटर वे में होता रहे।
और बाकी जो YouTube पर चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं वो तो अपना चलती रहेंगी, जो आप अपना पर्सनल कर रहे हो वो चलता रहेगा, लेकिन जो ये आपकी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की जो ये मेहनत होगी ना, ये आपको एक अलग लेवल का इंसान बना देगी एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले, उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ वहाँ पर, तो इसलिए ज्वाइन कर लो, उसको समझ में आएगा तुम्हें कि कहाँ पे कैसे चीज़ें फिल्टर करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सोर्सेज तो हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता यार कम टाइम है तो कैसे क्या पढ़ें, तो उस चीज़ के लिए वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। पता रहेगा यार ज्योग्राफी में ये पर्टिकुलरली चीज़ें हैं, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है तो उसमें इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें एक कॉन्टिनेंट में होती हैं, पहाड़ भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, देन वहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं कंट्री वाइज, मिनरल्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, कहीं पर कुछ मिल रहा है कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर रिवर्स हैं तो वो कहीं ईस्ट से वेस्ट जा रही है कहीं साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो उनको सबको कैसे ये डिफ्रेंशिएट करें क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब रिवर्स है उन पर वाटरफॉल भी है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन भी हो रही है रिवर्स की या लेक्स की, तो ये सब सारी चीज़ें ना ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं एग्जाम के पहले, तो ये दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी। सिर्फ बने रहना है, देखते रहना है, एक्टिव रहना है, माइंड अपना एक्टिव रखो कि यार ये चीज़ मैंने की है कि नहीं की है, की है लेकिन भूल रहा हूँ तुरंत मैंने पढ़ लिया, या उसको मार्क कर लो, अगर आपको वहाँ से नहीं भी पढ़ना है मत करो कोई दिक्कत नहीं है यार, इट्स योर चॉइस, उसको मार्क कर लो या टॉपिक को लिख लो कि यार ये टॉपिक भैया ने भेजा था या सर ने भेजा था मुझे, ये इसको तैयार करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, और जब एग्ज़ाम होगा तो बैठ के मिला लेना कि इसकी एक्यूरेसी कितने लेवल की जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, थैंक यू सो मच यार। 7 अगस्त ध्यान रखना, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल सर्च करोगे ऊपर ही मिल जाएगा, काफ़ी लोग लिंक्स पूछते हैं टेलीग्राम पर, ऊपर सर्च करोगे मेरा नाम अनुज चतुर्वेदी यू विल गेट इट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय।